इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नौ प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर प्लीज प्लीज 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना, और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई माननीय आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है और नियम प्रक्रिया के अंदर कोई भी स्पष्टीकरण का सदन में लोकसभा में नियम प्रक्रिया नहीं है। आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप एक चीज रिकॉर्ड में लो। एक मिनट मेरी बात सुनो। बालू जी प्लीज, अधिरंजन जी एक मिनट प्लीज, बालू जी प्लीज सिट डाउन। एक मिनट अधिरंजन जी। मिस्टर सुरेश प्लीज सिट डाउन। मैं सदन को ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारी सेनाओं की वीरता और साहस पर एक साथ समर्थन करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए। सदन की तरफ से रिकॉर्ड में सब चीज आ गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद आइटम नंबर 2 श्री प्रहलाद सिंह पटेल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित दस्तावेज में सभा पटल पर रखता हूँ, जो निकटम कुंडली और पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड से संबंधित है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेज को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर संजीव कुमार परमिशन आई राइज टू ले द पेपर लिस्टेड अगेंस्ट माय नेम।